नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे उस विषय में जो आपके शरीर के 80% दिक्कतों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हम बात करेंगे कब्जियत के विषय में। आज का जो लाइफ स्टाइल है वह आपको मजबूर कर देता है कब्ज होने के लिए। कब्ज होती है, आप जानते हैं क्यों हो रही, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाते। इसमें 20% तो आप अपने चाहते ही नहीं कब्ज दूर हो, या उसको समझ के भी अनजान बन जाते हैं, और 80% केसेस में आप कुछ कर नहीं सकते। आपका जॉब ऐसा है, वर्किंग आवर्स ऐसे हैं, आजकल 10 से 10 काम होता है। मैं देखता हूँ कि कभी वक्त नहीं होता तो मैं रात के 11 बजे भी मॉल जाता हूँ, 11:30 बजे मुझे रात का एक भी बज जाता है, तो वहाँ पर उन रिप्रेजेंटेटिव को रुकना पड़ता है जब तक दरवाज़ा बिल्कुल हम ना चले जाएँ या बिलिंग ना हो जाए। तो अगर रात के 1 बजे तक कोई काम करेगा, 2 बजे घर पहुंचेगा, तो लाजमी उसको कब्ज होगी, और इसके लिए वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि रोजी रोटी ज़रूरी है, पैसा नहीं आएगा तो घर कैसे चलेगा। तो एक मजबूरी हो गई कब्ज होना, खासतौर से बड़े शहरों में। हम लोग चलना फिरना बंद कर दिए हैं, बैठ के दिमाग लगाते हैं, अपना काम करते हैं, और कब्ज होती है तो आप जान ही रहे हैं, पाइल्स होता है, फिजर होता है, सारी चीज़ें होती हैं। हम आपको बताते हैं साथियों आज कब्ज को दूर करने की होम्योपैथी में 10 कारगर दवाएं। सबसे पहले जान लेते हैं कब्जियत वास्तव में होती क्या है, साइंस इसको क्या डिफाइन करती है। साइंस इसको ये डिफाइन करती है साथियों, कब्ज को तब आप कहा जाता है कि आप कॉन्स्टिपेटेड हैं अगर आपको हफ्ते में 3 से कम बार स्टूल हो, 3 से कम मोशन अगर आपको पास होते हैं तो समझ लीजिए आपको कब्ज है। और यह जैसा मैंने बताया एक दिक्कत का विषय है क्योंकि इससे बॉडी डिटॉक्सिफाई होता है, और टॉक्सिफाई होता है जब बॉडी तो वो आपको नुकसान पहुंचाता है। इसके सिम्टम्स साथियों, सिम्टम्स यही हैं, आपका जब 3 से कम मोशन एक हफ्ते में हो, बहुत लार्ज लम्प्स में हो, हार्ड हो, तो समझ लीजिए आपको कब्जियत है। बहुत जोर लगाना पड़े, बहुत वक्त लगे, आपको टेनिसमस बहुत ज़्यादा हो, आपको वॉशरूम में बहुत वक्त लगे। इसके कॉजेस साथियों, कारण जैसे बहुत से इसके कारण होते हैं, जिसमें कि तमाम मेडिकेशंस इसके कारण होते हैं, तमाम हमारे बनाए कारण होते हैं, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल एक कारण होता है, छोटे बच्चों में सिर्फ दूध का पीते रहना कब्ज का कारण होता है, इस तरह तमाम कारण होते हैं। और आपको पता होता है आपको क्या कारण है, बहुत लोग मैदे की रोटी बहुत ज़्यादा खाते हैं, रफेज नहीं लेते हैं, वो एक कारण होता है। जब वो मूव नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा तो इंटेस्टाइन में पेरिस्टाइलिसिस नहीं होता है, वो एक कारण होता है कब्ज का। इस तरह तमाम कारण कब्ज के होते हैं। हम आपको बताते हैं साथियों कब्ज को दूर करने की कारगर होम्योपैथिक दवाएँ। इससे पहले साथियों बता दें, यह आपकी जानकारी और होम्योपैथी को आपके करीब इंट्रोड्यूस करने के लिए, करीब लाने के लिए हैं। दवा कोई भी बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लीजिएगा, क्योंकि कब्जियत का कारण कैंसर तक हो सकता है। कोलोन में अगर आपको कैंसर है तब भी आपको कब्ज रहेगी। मैं दुआ करता हूँ ऐसा किसी को ना हो, लेकिन हमने आपको जो सही बात थी वो बता दी। आपको बताते हैं होम्योपैथी में 10 कारगर दवाएँ कब्जियत को दूर करने की। और ये दवाएं आप कब्जियत ही नहीं मानी, ये आपके पाइल्स को दूर करने की भी हो गई, एनल फिजर को भी दूर करने की हो गई, और आपके शरीर के 80% बीमारियों को दूर करने की दवाएं हो गई जो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट दवा साथियों, जो नंबर एक दवा होम्योपैथी में कब्ज की है, वह है प्लम्बम मिटैलिकम। अगर आपको भयंकर कब्ज है, ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन है, तो आप प्लम्बम मिटैलिकम 30 एक बार ले के देखें। इसकी 2-2 बूंद आप दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका जो यह कब्जियत है यह पूरी तरह ख़त्म हो गई और आप बिल्कुल ठीक हो गए। दूसरी जो बहुत अहम दवा कब्जियत की है, उससे हम आप सब वाकिफ़ हैं, आप भी वाकिफ़ हैं, वह है नक्स वोमिका, या होम्योपैथी की सबसे महान दवा है। डॉक्टर हेनीमैन ने की सबसे ग्रेटेस्ट डिस्कवरी इस मानवता के लिए नक्स वोमिका है। अगर आपको कब्जियत है, आपको स्टूल पास नहीं हो रहा है, तो इसके लिए बहुत अच्छी दवा नक्स वोमिका है। आप नक्स वोमिका 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेके अपनी कब्ज को ख़त्म कर सकते हैं। फिर साथियों, की स्थिति आती है महिलाओं में कि उनको प्रेगनेंसी के बाद कब्जियत हो गई। अगर यह स्थिति है साथियों, तो इस स्थिति को भी ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है, और दवा का नाम है कैल्केरिया कार्बोनिकम और सीपिया। कैल्केरिया कार वो महिलाएं ले सकती हैं
जिनको प्रेगनेंसी के बाद कब्जियत बहुत रहने लगी है, जो कि फेयर फैट एंड फ्लैबी हों, थोड़ी गोरी हों, मोटी हों, थोड़ा सा फ्लैबी हों, और उनके सर से पसीना बहुत आता हो जिससे दूर तक तकिया गीला हो जाता हो, उनके लिए ड्रग ऑफ द चॉइस कैल्केरिया कार्ब है। और जो महिलाएं बहुत दुबली पतली हों, जिनको रोना बहुत जल्दी आता हो, वीपिंग डिस्पोजिशन हो और उनको कब्जियत हो गई हो, उनको ठीक करने की कारगर दवा सीपिया है। आप सीपिया 32 बूंद दिन में 3 बार लेके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकती हैं। तीसरी स्थिति साथियों रहती है कि आपके जो स्टूल हो रहा है, आपकी कब्जियत है और जो स्टूल हो रहा है बड़ा सख्त हो रहा है, हार्ड स्टूल हो रहा है, और हार्ड स्टूल हो रहा है तो तमाम दिक्कतें पैदा कर रहा है, पाइल से लेके फिजर तक। तो इस स्थिति की कब्जियत को दूर करने की बहुत कारगर दवा होम्योपैथी में सल्फ़र है। अगर आपका स्टूल हार्ड है, आप सल्फ़र की 1 mg की 3 खुराक 5 मिनट के फासले पर वीकली लेके देख लें, आपका स्टूल सॉफ्ट, मुलायम और नॉर्मल हो जाएगा। अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा परिवर्तन ले आएँ, यानी एक बार खाना सुबह 9 बजे खा लें, 5 बजे खा लें, दैट्स इट, बीच में ना खाएं, इंटरमीटेंट फास्टिंग करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो सल्फ़र बहुत अच्छी दवा है। सल्फ़र के मरीज को मीठी चीज़ें खाना बहुत पसंद होता है, थोड़ा सीडेंट्री व्यक्ति होता है, नहाना वहाना उसे पसंद नहीं होता है, रिस्ट के मोड में रहता है, रात भर जागता है, दिन में सोता है और कब्जियत को बनाए रहता है। तो आप सल्फ़र लें, आपकी सारी कैफियत दूर होगी, आपका कॉन्स्टिपेशन भी ख़त्म हो जाएगा। फिर साथियों कब्जियत की स्थिति आती है कि आपको इतना स्टूल सख्त हो रहा है कि जला हुआ स्टूल आ रहा, हार्ड एज ए बंट। अगर यह स्थिति है साथियों, तो इस स्थिति को दूर करने की और आपके कब्ज को दूर करने की बहुत कारगर दवा ब्रैनिया एल्बा है। आप ब्रैनिया एल्बा 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपका मोशन भी सॉफ्ट हो जाएगा और आपका कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो जाएगा। ब्रैनिया के मरीज की खास बात होती है साथियों, ब्रैनिया के मरीज को चलने से तकलीफों में बढ़ती हैं और आराम करने से तकलीफें ठीक होती हैं। यह एक ब्रैनिया का सिम्टम है। तो अगर यह सिम्टम आप अपने शरीर में पाते हैं तो ब्रैनिया आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस है। और ख़ास तौर से बच्चों में यह सल्फ़र और ब्रैनिया का कॉन्स्टिपेशन कभी फेल नहीं होता। बच्चे आते हैं, माँ बाप कहते हैं स्टूल इनका बहुत सख्त हो रहा है, हाथ से कभी कभी निकालना पड़ता है। अगर उस स्थिति में यही सल्फ़र 1 mg की 3 खुराक वीकली और ब्रैनिया 32 बूंद दिन में 3 बार आप दे दीजिए, आप देखेंगे कि आपके बच्चे का स्टूल बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, उसका कॉन्स्टिपेशन दूर हो गया। फिर साथियों एक दवा, एक स्थिति आती कि जो हमारे समुद्र के किनारे रहने वाले लोग हैं उनको कब्जियत बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ पर सॉल्ट ज़्यादा होता है, समुद्र का पानी खारा होता है, नमकीन होता है, नमक होता है, वहाँ की हवा में एक जो है वो एक सॉल्ट का जो है एक कंपोनेंट होता है, कहीं ना कहीं वहाँ के सॉइल में होता है, उस बीचेस में होता है, सैंड में होता है, तो वह स्थिति अगर है तो उसको ठीक करने की, वहाँ के लोगों को कॉन्स्टिपेशन को दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है मैग्नीशियम म्यूरेटिकम। आप मैग्नीशियम म्यूर 32 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं। जब आप कहीं समुद्र किनारे रहते हों या वैसी जगह जहाँ नमक का उत्पादन होता है, नमक की फैक्ट्री है, नमक की फील्ड्स हैं, जहाँ पे पानी को सुखाया जा रहा है या पानी खारा है और आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो जो भी इस तरह के एरिया में रहने वाले लोग हैं उनको कब्जियत दूर करने की बहुत अच्छी दवा मैग्नीशियम म्यूर है। 30 पावर में 2 बूंद इसको आप 3 बार दिन में लेकर देखें, आप देखेंगे कि आपकी कब्जियत खत्म हो गई। एक स्थिति साथियों कॉन्स्टिपेशन में आती कि हफ्तों पॉटी नहीं हो रही, 7-8 दिन में एक बार पॉटी होती है, लार्ज एक्यूमुलेशन इंटेस्टाइन में फीसिस का हो जाता है और फिर पॉटी होती है और फिर बहुत सारी होती है, उसमें शुरू में सख्त होती फिर सॉफ्ट होती है, स्टूल शुरू में हार्ड होता है फिर सॉफ्ट होता है। अगर यह स्थिति है साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने की बहुत कारगर दवा एल्यूमिना है। आप एल्यूमिना 200 पावर की 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि यह जो लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ स्टूल आपके इंटेस्टाइन में होता है और फिर 7-8-10 दिन में एक बार पॉटी होती है और खूब सारा मोशन पास होता है, पहले वो हार्ड होता है फिर सॉफ्ट होता है, लेकिन आपको जोर लगाना पड़ता है, तो यह सारी कैफियत ठीक हो गई और आपका कॉन्स्टिपेशन भी खत्म हो गया। एल्यूमिना के मरीज को नॉर्मली स्किन डिजीज भी साथ में होते हैं। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आपके कब्जियत है, कॉन्स्टिपेशन है, साथ में आपके पेट में गैस बहुत है, लोअर एब्डोमेन में पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है, तो यह स्थिति हो कि आपके गैस्ट्रिक कंप्लेंट और साथ में कॉन्स्टिपेशन हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है। दवा का नाम है लाइकोपोडियम क्लेविटम। लाइकोपोडियम 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार आप ले लें, आपका पेट का भारीपन भी ख़त्म हो जाएगा और आपका कब्जियत भी दूर हो जाएगी।
फिर साथियों एक स्थिति आती है कॉन्स्टिपेशन की कि जब आप मोशन करने बैठे, थोड़ा स्टूल पास हुआ फिर बाकी स्टूल वापस चला गया, आपको एक मन में ये विचार आया कि साहब हमें पॉटी आती है, थोड़ी सी होती है, बाकी वापस ऊपर अंडर इंटेस्टाइन में रिवर्स चली जाती है। तो अगर यह फीलिंग आप में आ रही है तो इस फीलिंग को ठीक करने की और कब्जियत को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा सलीसिया है। आप सलीसिया 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आपका जो स्टूल रिसीट कर रहा है वापस, थोड़ा सा होने के बाद वापस पूरा रिसीट करा जा रहा है और आपके एंटीसिपेशन स्टूल का बना है पूरे दिन, तो सलीसिया आपको ठीक करेगी, आपके कॉन्स्टिपेशन को ठीक करेगी और आपको कंफर्टेबल जोन में ले जाएगी। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि जब आपके कॉन्स्टिपेशन और डायरिया अल्टरनेट होता है, कभी कब्जियत बनी कभी डायरिया हो गया। बहुत से पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं, उन्हें कब्जियत है, उन्हें कुछ बताओ थोड़ा सा वो मैनेज करते हैं तो उनको फिर डायरिया हो जाता है। तो अगर यह स्थिति है साथियों तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है पोडोफाइलम। पहली दवा है पोडोफाइलम और दूसरी दवा है एब्रोटेनम। यह दोनों दवा बहुत अच्छी दवाएं हैं आपके अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन और डायरिया को ठीक करने के लिए। पोडोफाइलम उस स्थिति में बहुत कारगर है साथियों जब आपको डायरिया हो रहा है और कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और साथ में रेक्टम आपकी बाहर, आंत आपकी नीचे उतर रही है, जब आप मोशन जाते हैं तो आंत बाहर आ जाती है, आपको पाइल्स है, उस स्थिति में पोडोफाइलम बहुत अच्छी दवा है। यह दवा आपके कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करेगी, पाइल्स को भी ठीक करेगी और जो रेक्टम का प्रोलैप्स है उसको भी ख़त्म करेगी। दूसरी दवा इसकी एब्रोटेनम है। यह बच्चों में खास तौर से बहुत अच्छा काम करती है जहाँ पर अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया है। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आपको कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स हो गया, इस स्थिति को भी ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कि आपका कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो और आपका पाइल्स भी ठीक हो जाए। इसकी दो बहुत कारगर दवाएँ, पहली दवा है स्कुलस, दूसरी दवा है कोलिनसोनिया। एस्कुलस उस स्थिति में बहुत कारगर है जब आपके बहुत कब्जियत है, आपकी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है और आपको पाइल्स है, तो आप एस्कुलस को ले सकते हैं। यह दवा जो आपका हार्ड और सख्त स्टूल आ रहा है उसको नॉर्मल कर देगी, आपके बैक पेन को ख़त्म करेगी और आपके पाइल्स को ख़त्म करेगी। दूसरी दवा साथियों इसी श्रृंखला की कोलिनसोनिया है। यह उन महिलाओं के लिए बहुत अच्छी दवा है जो जब प्रेगनेंसी होती है उस समय उनको पाइल्स हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उस स्थिति में कोलिनसोनिया बहुत अच्छी दवा है। यह दवा के सेवन से आपका पाइल्स ठीक हो जाएगा और आप राहत महसूस करेंगे। एक स्थिति आती है साथियों जब आपके एनल फिजर हो गया और साथ में आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया, अगर दोनों स्थितियां साथ हैं तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है। पहली दवा है कोलिनसोनिया और दूसरी दवा है नाइट्रिक एसिड यानी एसिडम नाइट्रिकम। कोलिनसोनिया 30 साथियों उस स्थिति में आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं, बहुत कारगर दवा है। जब आपके मोशन पास करने में बहुत पेन हो रहा है और आपको कब्जियत है, सख्त स्टूल हो रहा है और स्टूल पास कर रहे हैं तो बहुत पेन हो रहा है, तो कोलिनसोनिया आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस है। इसको लेके आप अपने एनल फिजर को भी ठीक कर सकते हैं और कब्जियत को भी दूर कर सकते हैं। दूसरी स्थिति जो बनती है कि आपके एनल फिजर में ब्लड आ रहा है, उस स्थिति की बहुत अच्छी दवा एसिडम नाइट्रिकम है। आप नाइट्रिक एसिड 200 पावर की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले लें, आपके एनल फिजर में आने वाला खून भी ख़त्म हो जाएगा और आपका कॉन्स्टिपेशन भी ख़त्म हो जाएगा। फिर एक स्थिति आती है साथियों जब आपके जो स्टूल पास होता है वो अल्टरनेट डे होता है यानी उसे पीरियडिसिटी, आज हुआ कल नहीं हुआ परसों हुआ फिर नर्सों नहीं हुआ उसके अगले दिन हुआ, तो अगर यह स्थिति हो तो उसको ठीक करने की 2 बहुत कारगर दवा हैं। पहली दवा है नेट्राम्यूरेटिकम और दूसरी दवा है सिंकोना ऑफिसनेलिस। नेट्राम्यूरेटिकम 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली उस स्थिति में कारगर है जब आपके कॉन्स्टिपेशन है और अल्टरनेट डे पर आपको मोशन होता है, मोशन हार्ट होता है, साथ में आपको स्किन के ट्रबल रहते हैं, उस स्थिति में आपका ड्रग ऑफ द चॉइस नेट्राम्यूर है। यह दवा लेके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और सिंकोना ऑफ स्नेलिस यानी चाइना जिससे होम्योपैथी की खोज हुई थी, जिस दवा से डॉक्टर हेनीमैन साहब ने करी थी, वो 200 पावर में 2-2 बूंद उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपको कॉन्स्टिपेशन के साथ वीकनेस बहुत हो गई हो, आपको अल्टरनेट डे मोशन हो रहा है यानी उसे पीरियडिसिटी है और आपको वीकनेस बहुत हो गई हो, आपके ब्लड लॉस भी हो गया हो, चाहे पाइल्स में चाहे कोई भी फ्लूइड का लॉस हो गया हो, कभी कोई चोट लगी हो जिसके बाद फ्लूइड लॉस हो गया हो, उससे वीकनेस हो गई हो और आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया हो, तो सिंकोना ऑफ स्नेलिस बहुत अच्छी दवा है। यह दवा आपके
कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म कर देगी, वो जो पीरियडिसिटी है अल्टरनेट डे होने वाली पॉटी उसको ख़त्म करके रोज़ पॉटी आपको नॉर्मल साफ़ होने के पाथ पे रास्ते पे अग्रसर कर देगी। फिर एक स्थिति आती है साथियों, जो नॉर्मली माताएं अपने बच्चों के लिए जब कब्जियत का इलाज करने आती तो बताती हैं कि छोटे छोटे बॉल्स के फॉर्म में पॉटी हो रही है। कुछ लोग कहते हैं जैसे गोट बकरी पॉटी करती है, गोल गोल उसके जो वो निकलते हैं फीसिस, उस फॉर्म में गोल गोल राउंड स्ट्रक्चर के फॉर्म में पॉटी हार्ड हो रही है। अगर वह स्थिति है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है, और दवा का नाम है ओपियम। आप ओपियम 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें तो यहाँ जो बॉल्स के फॉर्म में पॉटी हो रही है यह ठीक हो जाएगी, और कॉन्स्टिपेशन दूर होकर बच्चे या बड़ा कोई भी हो उसको नॉर्मल पॉटी होने लगेगी। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि बिल्कुल सब कुछ लगता है पेट में रुक गया, कोई भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हो रहा है, एट्रॉफी इंटेस्टाइन की पूरी तरह से हो गई, सब कुछ वैसे ही रुक गया, भयंकर कॉन्स्टिपेशन है, और जब पॉटी करने जाते हैं तो इतना जोर लगाते हैं कि पसीना आ जाए लेकिन पॉटी नहीं होती। वह स्थिति हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है, और दवा का नाम है विरेट्रम एल्बम। आप विरेट्रम एल्बम 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपकी कॉन्स्टिपेशन दूर हो गया, आपको इतना जोर नहीं लगाना पड़ेगा कि पसीना आ गया और आपके मोशन होने लगेगा। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि मरीज में इतना कॉन्स्टिपेशन होता है कि उसको पीछे की तरफ झुकना पड़ता है पॉटी करने के लिए। तो अगर आप ऐसा महसूस करते हो कि जब पीछे की तरफ लीन करते हैं बैकवर्ड्स तो आपको पॉटी हो जाती है, उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा मेडोरिनम है। आप मेडोरिनम 200 पावर की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले लें, आप देखेंगे कि आपकी पॉटी क्लियर होने लगी और आप बेहतर महसूस करने लगे। फिर साथियों एक स्थिति आती कि भयंकर कब्ज हो गया, भयंकर का मतलब कि 10-15 दिन बाद 15 दिन बाद पार्टी हो रही, 7-8 दिन बाद हो रही तो एलुमिना काम करती, हम भी बता चुके हैं आपको, 10-15 दिन बाद पार्टी हो रही, 15 दिन बाद, तो अगर इतना कॉन्स्टिपेशन आपके है तो इसको ठीक करने की भी होम्योपैथी में दवा है, और दवा का नाम है एस्टेरियास रूब्रेंस। आप एस्टेरियास रूब्रेंस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपकी पार्टी भी नॉर्मल हो गई, और जो 15-15 दिन का गैप पॉटी में हो रहा है ख़त्म हो गया, आपकी कब्जियत ख़त्म हो गई और आप राहत महसूस करने लगे। फिर साथियों एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति आती है, इसको आप मानसिक स्थिति भी कह सकते हैं कब्जियत की, कि जब कब्जियत रही तो खुश थे और जब पेट साफ हो गया तो दुखी हो गए। भाई कब्जियत रही तो खुश थे, ये भी एक सिम्टम है कि जब आपको कब्जियत थी तो आप ठीक थे लेकिन जब स्टूल पास करा पेट खाली हो गया तो आप परेशान होने लगे। अगर यह स्थिति साथियों है, इसको एक आप कॉन्स्टिपेशन में ही क्लासिफाई कर सकते हैं, तो इस स्थिति को दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कैल्केरिया कार्बोनिकम। कैल्केरिया कार्बोनिकम 1 mg/power की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर हर वो व्यक्ति, खास तौर से महिला जो फेयर फैट एंड फ्लैबी हो, वह ले सकती है कि जब उसको पेट खाली हो जाता हो तो उसको बड़ी असहजता महसूस होती हो, कब्जियत रहती हो जब तक वो ठीक रहती हो। तो कैल्केरिया कार्ब आपकी दवा है, आप घबराइए मत, इससे कैल्केरिया कार्ब लेने से आपकी कब्जियत नहीं होगी आपको, लेकिन आपका जो पेट खाली होने पे बेचैनी है वो ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। कैल्केरिया कार्ब के मरीज को सर से पसीना बहुत आता है, इतना आता है कि तकिया तक गीला हो जाता है। आप कैल्केरिया कार्ब लें और अपने पूरे शरीर को टोनअप करें, लाभ पाएँ। फिर साथियों एक स्थिति कब्जियत का रूप होता है कि इतनी ज़्यादा कब्जियत है कि जब पॉटी करने बैठे तो चेहरा लाल हो गया, इतना जोर लगाया। बहुत से मरीज़ आते हैं जो यही अल्फाज यूज़ करते हैं, यही वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो अगर ये शब्द आपके जहन में आते हैं, आपके दिमाग में आते हैं, आपके मन में आते हैं, तो फिर उस स्थिति में कब्जियत को दूर करने की बहुत कारगर दवा कॉस्टिकम है। कॉस्टिकम 32 बूंद आप दिन में 3 बार ले लें तो जो आपको इतना जोर लगाना पड़ता है कि चेहरा लाल हो गया, वह स्थिति ख़त्म हो जाएगी और आपका कॉन्स्टिपेशन भी ख़त्म होके आपका पेट पूरी तरह साफ होने लगेगा। एक स्थिति आती है साथियों, खासतौर से बच्चों में होती है, वो होती है लैक्टोज इंटॉलरेंस की, कि दूध का कोई प्रोडक्ट खाया तो कब्जियत हो गई। तो अगर दूध का कोई प्रोडक्ट खाने से आपको कब्जियत हो रही है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, मिल्क एलर्जी हो रही है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा एथूजा है। आप बच्चे को एथूजा साइनेपियम 32 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं। यह दवा देने से जो उसको दूध पीने या दूध के प्रोडक्ट्स खाने से कब्जियत हो जाती है वह ख़त्म हो जाएगी और उसका पेट पूरी तरह साफ होने लगेगा।
फिर एक सेंसेशन होता है साथियों, शरीर में स्थिति है कॉन्स्टिपेशन की कि लैक्टिन बहुत तेज आ रही है, वॉशरूम तक गए लेकिन जब करने बैठे तो लगा कुछ प्लग से एनल रीजन को ब्लॉक कर दिया गया है, पॉटी नहीं हो रही है, आ रही है, उतर रही है, प्रेशर बन रहा है लेकिन हो नहीं रही है, लग रहा किसी चीज़ से प्लग लगा दिया गया है एनस में। तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है एनाकार्डियम ओरिएंटेल। आप एनाकार्डियम 200-200 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपका जो प्लग लाइक सेंसेशन है एनस पे महसूस हो रहा है यह भी ख़त्म हो जाएगा और आपका पेट पूरी तरह साफ होने लगेगा। फिर साथियों एक स्थिति आती है कब्जियत में कि आपकी आंतें पूरी तरह सूख गई, इंटेस्टाइंस ड्राई हो गई और जो मोशन पास हो रहा है वो म्यूकस उसमें लगी हुई है, थोड़ा सा मोशन हो रहा है, कब्जियत बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा मोशन हो रहा है और उसमें म्यूकस लगी है, आँव लगी है। अगर यह स्थिति है साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की, कब्जियत को दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा ग्रेफाइटिस है। आप ग्रेफाइटिस 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका कब्जियत खत्म हो गई, पेट साफ होने लगा, आपका जो इंटेस्टाइन का रूखापन सूखापन है वह खत्म हो गया और जो आँव लैट्रिन में आ रही है वह भी खत्म हो गई। फिर साथियों की स्थिति आती कब्जियत में, आप में से कोई महसूस करता हो कि मोशन जाने के महसूस होने के 1-2 घंटा पहले से ही परेशान होने लगे और जब गए तो मोशन हुआ नहीं। अगर यह स्थिति है साथियों कि 2 घंटा पहले ही आप डिस्ट्रेस में आ जाएं मोशन जाने से पहले ही और आपका 1-2 घंटा बर्बाद हो जाए तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा काली कार्बोनिकम है। आप काली कार्बोनिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका मोशन भी क्लियर होने लगा और आपकी जो यह 2 घंटे डिस्ट्रेस का बर्बाद होता है जाने से पहले ही 2 घंटा एंटिसिपेशन में वक्त बर्बाद होता है वह बच गया, कब्जियत भी आपकी दूर हो गई। ये साथियों कुछ दवाएं थी आपको कब्जियत को दूर करने के विषय में। जैसा हमने बताया शरीर के 80% रोगों का कारण कब्जियत होता है और यह बहुत अच्छी दवाएं थी उसको दूर करने की। आप इनको एक बार अपने सिम्टम के हिसाब से कोशिश कर सकते हैं, किसी कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब कराकर उससे अपने सिम्टम के हिसाब से दवा प्रिस्क्राइब करा लें और इन दवाओं का सेवन करें, आपको लाभ होगा। आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप YouTube नोटिफिकेशन पैनल में या हमारे WhatsApp नंबर 94-15-786-380 पर अपनी क्वेरी WhatsApp कर सकते हैं, आपको संतोषजनक जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। साथियों अगर आपको यह प्रयास पसंद आया हो होम्योपैथी को आपके करीब लाने का तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, अन्य साथियों को अपने इसको प्रेरित करिएगा शेयर करने, लाइक करने और सब्सक्राइब करने के लिए और बेल नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो पाते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। Thank you.